और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल यार। अब जैसे जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बीजीएमआई के रीलॉन्च के दिन वापस आते जा रहे, काफी सारे लोग बीजीएमआई पे लौट के वापस आ रहे। अब ये वो लोग हैं जिनके मोबाइल में बीजीएमआई पड़ा हुआ था, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं करा था, वो वापस चले गए। वैसे इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे जरूर बताना। और हाँ, मैं यही चीज तुमसे पूछना चाहता कि तुम बताओ कि तुम क्या खेल रहे हो। तुम पबजी मोबाइल का क्या वर्जन खेल रहे हो, पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन किसी तरीके से खेल रहे हो, या फिर तुम बीजीएमआई अभी भी खेल रहे हो? ओ भाई, ये इतनी तेज क्यों दौड़ के आ रहा था, इसको ऐसा क्या दिख गया था इधर? वेल, जो भी वो अभी तो ये लॉबी देखेगा। अब मुझे लग रहा था कि मैं सेफ हूं, बट नहीं नहीं नहीं, इसका टीममेट मेरे को देख रहा है। अब क्योंकि यहां पर मैंने इसको देख लिया था, तो ये बच तो पाएगा है नहीं, तो ये भाग रहा था बड़ी तेज। आए आए आए, इसका सर मेरे को दिख गया, तो मैंने इसको ठोक दिया। चल, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो यार, मैं तो फिलहाल बीजीएमआई ही खेल रहा हूं, लेकिन बीच में मैं केआर वर्जन भी खेल रहा था। लेकिन यार उधर क्या हो रहा था कि अपने पास स्किन उधर मस्त वाली नहीं है यार, थोड़ी बहुत स्किन से कब तक यूज करूं, तो मैं थोड़ा बोर हो गया था, मैं वापस से बीजीएमआई पे आया। क्योंकि तुमको पता है कि जिंक्स मेरे को कितनी पसंद है, और कुर्ता पजामा भी इस अकाउंट में, तो भैया ये अकाउंट पता नहीं क्यों दिल के बहुत करीब है। वैसे तुम लोग मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम लोग क्या खेल रहे हो, क्या तुम लोग केआर वर्जन खेल रहे हो जिसमें स्किन नहीं है, या फिर ग्लोबल वर्जन खेल रहे हो जिसमें भी स्किन नहीं होगी क्योंकि अकाउंट ट्रांसफर कर लिया होगा, या फिर तुम स्किन के चक्कर में बीजीएमआई खेल रहे हो। अब देखो, मेरी खोपड़ी के ऊपर एक बंदा था और मुझे पता था ये ऊपर चढ़ने नहीं देगा, क्योंकि मेरे को घंटा आइडिया नहीं था ऊपर कितने बंदे हैं, तो यहाँ पर मैंने रिस्क लिया, मैं पीछे गया और भाई तभी मौली आया। भाई अगर मैं नहीं हटा होता ना इधर, मैं टोस्टी हो जाता। यहाँ पर एक बंदा तो मेरे को ऊपर दिख ही गया था, नीचे से भी एक बंदे का फुटस्टेप आ रहा था, तो मैं यहाँ फंस जाता यार, दोनों तरफ से हमले होते, तो मैं पीछे आया। सच बताऊं तो किस्मत बहुत अच्छी थी, अगर उसकी जगह पर मैं होता ना तो इधर पेटी बन जाती मेरी। लेकिन जो भी हो, मैं बच गया था, मैं फिर बच गया। लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि वो बंदा कहाँ है, लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है, कि वो पीक तभी देगा जब मैं भाग रहूँगा। देखो, जैसे अभी मैं उसके ऊपर एम लेने की पूरी तैयारी में हूँ, तो वो पीक नहीं ले रहा, और उसके टीममेट धीरे धीरे मेरे पर पुश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं और पीछे जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वेयर हाउस तक पहुँच गया तो मेरे को एक थोड़ा सा लीन एंगल मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा। मैं पीछे भागा, लेकिन वो पीक देता इससे पहले कि उसका टीममेट आ गया, जो कि मैंने बोल रखा था। अब इसको नॉक करते ही टावर वाला पैनिक हो गया और मैंने उसको भी नॉक कर दिया। भाई चिल दिमाग के साथ खेलो ना तो सब आसान होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि उसका टीममेट मेरे ऊपर पुश कर रहा होगा, वही हुआ। भाई इससे पहले कि मैं फिनिश कर पाता हूँ, बंदा रिवाइव हो गया, लेकिन मैं रुकने वाला था नहीं, मैंने पुश कर दिया, इसको नॉक कर दिया। अब बारी इसके टीममेट की थी, इसको भी नॉक करके फिनिश कर दिया। अब बारी थी अपने किल्स कंफर्म करने की, तो मैं भाग के गया पीछे, यहाँ पर स्मोक हुआ तो थोड़ा मैं डर गया, लेकिन नहीं, अकेला ही था, तो मैंने उसको भी फिनिश कर दिया। अब इसको फटाक से मैंने थोड़ा सा लूटा, फिर वापस से मैं गया कहाँ, क्रेन के ऊपर, क्योंकि यहाँ मेरे को लूट चाहिए थी भाई। अब देखो, यहाँ पर मेरे को फ्लेयर भी मिल गई, तो मैं तो बहुत खुश हो गया, फिर मैंने अपनी किल भी कंफर्म कर ली। अब देखो, मैं जानता था कि जॉर्जो तो खाली हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं ऊपर गया थोड़ा चेक करने, तो मेरे को एक फ्री का किल मिल गया थी। अब ये भटूरा किसी को तो मार रहा था, लेकिन छोड़ो, मुझे इंटरेस्ट नहीं उस बंदे में। तो यहाँ पर मैं नीचे उतरा और मैं जाने लगा स्क्वाड हाउस की तरफ, क्योंकि मेरे को गाड़ी चाहिए थी, इधर कोई गाड़ी गाड़ी नहीं थी यार। लेकिन भाई भाई भाई, स्क्वाड हाउस पे पहले ही एक स्क्वाड बैठी हुई है यार। भाई 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 भाई, वो बंदा तो बच गया था, लेकिन वो हील लगाने के लिए पीछे चला गया, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करा, तो वो मेरे ऊपर स्प्रे करने लगा, लेकिन किसी तरीके से मैं जिगल करते 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 पत्थर तक पहुंच गया। अब देखो, यहाँ पर मैं फंस चुका था, अब यहाँ से मैं निकल सकता नहीं था बिना गाड़ी के, तो मैं चुपचाप इधर बैठ के हील करने लगा। तभी बॉट आया, मैंने बॉट को मारा, तभी यहाँ पर एक बग्घी आ गई, दो दो बंदे बग्घी में, और ये क्या चल रहा है भाई, उड़ा रहे हैं बग्घी तो। मैंने एक नॉक तो कर दिया,
बट ये चोरी कैसे हो गया यार, ऊपर से नीचे कूद के मारा क्या है वो? पता नहीं भाई इधर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं चुपचाप बैठा हील कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि बग्गी से दो बंदे हैं। एक किल चोरी हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे को मारेंगे अपन। अब मैंने यहाँ पर एक और नॉक निकाल दिया था। अब देखो इस पॉइंट पे मेरे को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसकी टीम में है, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, पुश करते हैं, जो होगा देखा जाएगा यार। अब मेरे पास देखो दो मॉली थे तो मैंने फटाफट मॉली डाल दिए क्योंकि मैं चाहता था कि जिस बंदे को मैंने नॉक कराया ना वो तो एटलीस्ट फिनिश हो जाए, उसका किल ना जाए। अब मुझे इतना तो पता था कि एक बंदा ऊपर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, इसका कपड़ा देख के मैं इतना तो समझ गया ये वो बंदा है जिसको मैंने एकदम स्टार्टिंग में हेडशॉट मारा था। तो मतलब ये बंदा नीचे कूदा, इसने मेरी किल चुराई और बग्गी से जो दो बंदे आए थे उसमें से एक बंदा भाग के ऊपर चढ़ गया, तो अब मुझे उसे मारना था और वो छुप रहा था। ओ भाई कैंपिंग कभी और करना। बस इसको बहुत ही आराम से मारने के बाद मैंने मस्त से लूटिंग करी, उसके बाद मैं आया, मैंने एयर ड्रॉप लूटा, एयर ड्रॉप से मेरे को कुछ खास मिला नहीं तो मैंने वापस से बग्गी उठाई और मैं गया बंदों को ढूंढने। अब बंदों को ढूंढने में मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगी, बंदे अपने आप ही मिलते जाएंगे अभी मेरे को। अब देखो सबसे पहले मेरे को एक बंदा दिख गया जो बाउंड्री के पीछे टीपीपी ले रहा था, गलत फंस गया बंदा। अब ये अपार्टमेंट्स देख रहा था तो इसको मारते ही मैं अपार्टमेंट जाने लगा, लेकिन तभी भाई किसी ने मेरे को एक गोली मारी। अब गोली आई थी अपार्टमेंट से तो मैं भैया सीधा आ गया अपार्टमेंट, क्योंकि भैया मेरे से पंगा लोगे तो मैं पीछे तो हटूंगा नहीं, तो मैं भाई बग्गी लेके घुस गया और कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया। मिस कर दिया मैंने। ओह भाई ये पीछे कब आया अंदर कूदने का साउंड ही नहीं आया। इनको ज्यादा मैं खुश नहीं रहने दिया, मैं रिवाइव हुआ, हल्की सी लूट उठाई, गाड़ी उठाई, वापस आ गया कहाँ अपार्टमेंट। और भाई मैंने एक चीज तो नोटिस करी थी कि ये कूदे थे पिछली बार, तो ये इस बार भी कूदेंगे और भाई ये कूदे। दोनों कूदे दोनों, तो एक को तो मैंने भर दिया बारी दूसरे की। आपको मार के जश्न मनाओगे? मनाने तो नहीं दूंगा, तो यहाँ पर आखिरी बंदा मैं ही बच रहा हूँ तो हंसूंगा तो मैं ही। लेकिन मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि जब मैं फ्लेट चलाने जा रहा था यहाँ पर एक बग्गी आ गई जिसमें दो दो बंदे। अब मेरे को लगा यार ये तो दो ही बंदे तो चलो पुश करके मार देते हैं, इजी रहेगा। लेकिन भाई मैं गलत था क्योंकि तभी यहाँ पर आ गई मैकलरन। अब मैकलरन से कौन उतरा पता नहीं है, बट भाई इतना तो मैं समझ गया था पूरी स्क्वाड हो गई, और जिस हिसाब से मेरे ऊपर नेट की बारिश हो रही थी मैं तो समझ गया भैया मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी अपनी स्किल्स दिखाता हूँ नेडिंग की। ओह भाई मेरे को लगा नहीं था ये नॉक होगा, मेरे को लगा था भाग जाएगा क्योंकि नेट डाल रहा था मेरे ऊपर। वेल जो भी हो मैंने एक को नॉक करा फिर मॉली डाला, वैसे मॉली से कुछ होना हुआ ना तो था नहीं, तो मैंने पता था कि अब मुझे पुश करना है। अब देखो इतना तो मुझे पता था ये पूरी स्क्वाड होगी, और भाई जैसी बिल्डिंग के पास पहुंचा ना बदर बदर फुटस्टेप मेरी फट गई थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ मैं बूस्टर ले लेता हूँ, क्योंकि जब चार बंदों के सामने तुम भिड़ रहे हो ना तो भैया स्पीड बूस्ट और हेल्थ बूस्ट दोनों आपके पास रहना चाहिए, बहुत एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बूस्टर लिया मैंने अपनी हरकतें शुरू करी। अब देखो एके चली पूरी खाली कर दी उसने एके, तो मैं जानता था ये बंदे मेरे ऊपर पुश करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है मैं फंस गया हूँ कमरे में। भाई दूसरा वाला क्या पगला रहे। अब देखो इनका तीसरा बंदा ऊपर है नीचे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इनको भर देता हूं। इनको भरने के बाद मैंने मस्त से रिलोड करा और तब इनका तीसरा बंदा आया।
अभी आया तो आया, साथ में जोन भी ले आया, तो मैंने जल्दी से इनको लूटा। उसके बाद मेरा प्लान था बस यहाँ से निकल के जोन में जाने का, क्योंकि देखो भैया सिर्फ और सिर्फ 6 बंदे बच रहे, 15 किल मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरे को सबको मारना रहेगा अगर मेरे को 20 किल का आंकड़ा चुना है तो। लेकिन भाई ये बंदा मेरे को तड़के बैठा था, आई थिंक ये भाई मेरे को पहले ही देख लिया था और ये मेरे को मारना चाहता था जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता, लेकिन इसने गलती कर दी, इसने पहले ही फायर कर दिया। अब मेरे पास ढेर सारे स्मोक भरे पड़े थे तो मैंने स्मोक कर दिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जोन से मरना नहीं चाहता था, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं जोन में पहुँच जाऊँ, इसको तो कभी भी मार दूंगा मैं। वेल, वो बंदा भी यही सोच रहा था, उसने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी थी तो वो रुका नहीं, वो वहाँ से निकल गया, तो मैंने भी अपनी भैया बग्गी उठाई और मैं भी यहाँ से निकल गया। अब तुमको ध्यान होगा कि जॉर्जो मेरे को एक फ्लेयर मिली थी जो मैंने अभी तक नहीं चलाई थी, तो मैंने फाइनली यहाँ पर वो फ्लेयर चला दी एज अ बेट। मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि हाँ मैं हूँ यहाँ, आओ मेरे को मारो, AWM ले जाओ। और भाई एक स्क्वाड ने मेरा चैलेंज थोड़ा सीरियसली ले लिया भाई। अब देखो कोई दिख नहीं रहा ना तुमको, मुझे भी नहीं दिख रहा था, बट बंदे हैं इधर, एकदम से स्मोक हुआ, मैं कहा भाई ये स्मोक कौन कर रहा है, फिर एक और स्मोक आया, फिर एक बंदा दिखा, मैंने उसे डैमेज दिया, एक चली कहीं और से, भाई ये बंदे फैले हुए थे पूरे में, मैंने एक नॉक करा, फिर एक नेड आया, मैं लो गया। ओ भाई ये बंदे तो पूरी प्लानिंग के साथ मेरे को मारने आए। मैंने एक और नॉक करा, उसने भाई मोले डाल दिया नॉक होते होते, और भाई भाई वो बंदा खेल गया मेरे साथ।